शब्दों को अधरों पर रख के मन का भेद न खोलो, शब्दों को अधरों पर रख के मन का भेद न खोलो, मैं आँखों से सुन सकता हूँ तुम आँखों से बोलो। इन सभी 3000 सहायक शिक्षकों के आँखों में जो चीज़ें दिख रही है सर, हम लोग हर चीज़ें बयान नहीं कर सकते। मेरे घर में कोई जॉब वाले नहीं है सर, और मैं अकेली जॉब हूँ, मेरे हस्बैंड भी जॉब में नहीं है, और यदि हम लोगों को नौकरी से निकाला जाता है तो हम लोग क्या करेंगे सर? ये सबसे बड़ा विषय है, इन दिनों सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पर भी है और लगातार इस पर कमेंट भी आ रहे थे, लगातार इस पर बातें भी हम लगातार कर ही रहे हो, चाहे डीएड वालों की भी हो चाहे बीएड वालों की भी हो, क्योंकि सवाल नौकरी का है और एक नौकरी की कीमत एक बेरोजगार युवा बहुत अच्छे से समझता भी है, जानता भी है। मैं यही गुहार लगा रही हूँ, मेरा हर मंत्री से, छत्तीसगढ़ शासन से सर्वत्र निवेदन है कि हमें इस तरह बेरोजगार ना करे। उनके पास शक्ति है, वो चाहे तो हमें समायोजित कर सकते हैं। विष्णु की सरकार को सुशासन की सरकार कहा जाता है, तो हमें तो पूरा विश्वास है कि विष्णु के राज में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगा, हमारे लिए न्याय। सवाल ये है कि 10 तारीख को क्या होगा, हाई कोर्ट इस विषय को लेकर क्या निर्देश देता है? हालांकि हाई कोर्ट पहले ही कह चुका है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि डीएड अभ्यर्थियों का चयन सहायक शिक्षक के रूप में होना था, लेकिन बीएड से चयनित जिनकी नियुक्ति हुई है उनका सरकार क्या करने वाली है, उनके विषय में सरकार क्या करने वाली है, क्योंकि नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज तारीख है 8 दिसंबर और 10 दिसंबर का सबको इंतज़ार है। इंतज़ार डीएड वालों को भी है जिन्हें लग रहा है, जिन्हें का आदेश भी हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि भैया सहायक शिक्षक के पद पर डीएड वालों की नियुक्ति होनी थी लेकिन सरकार ने नहीं किया। इंतज़ार बीएड वालों को भी है, बीएड अभ्यर्थी जिनका चयन सहायक शिक्षक के रूप में पिछली सरकार यानी कि भूपेश बघेल की सरकार ने किया था। अब सवाल ये है कि 10 तारीख को क्या होगा, हाई कोर्ट इस विषय को लेकर क्या निर्देश देता है? हालांकि हाई कोर्ट पहले ही कह चुका है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि डीएड अभ्यर्थियों का चयन सहायक शिक्षक के रूप में होना था, लेकिन बीएड से चयनित जिनकी नियुक्ति हुई है उनका सरकार क्या करने वाली है, उनके विषय में सरकार क्या करने वाली है, क्योंकि नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। लगभग 3500 के आसपास शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति सहायक शिक्षक में पदमर हुई थी और बीएड से चयनित हुए थे। अब बड़ा सवाल यही है कि सरकार इनके लिए क्या करने वाली है, सरकार के पाले में गेंद है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, सरकार से इन्हें भरोसा है, इन युवाओं को, और इन युवाओं को लगता है कि सरकार उनके साथ अन्याय नहीं करेगी, सरकार कहीं ना कहीं उनकी नौकरी बचा लेगी। ये सबसे बड़ा विषय है, इन दिनों सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पर भी है और लगातार इस पर कमेंट भी आ रहे थे, लगातार इस पर बातें भी हम लगातार कर ही रहे हो, चाहे डीएड वालों की भी हो चाहे बीएड वालों की भी हो, क्योंकि सवाल नौकरी का है और एक नौकरी की कीमत एक बेरोजगार युवा बहुत अच्छे से समझता भी है, जानता भी है। आज 8 दिसंबर है, आज 8 दिसंबर को स्टोरी हम सुबह सुबह क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे भी आपको रीज़न बता दूं कि कल 7 दिसंबर था, एक कार्यक्रम था रायपुर में और उस कार्यक्रम में सीएम विष्णु देसाई जी भी पहुंचे हुए थे, जहां पहले से पहुंचे हुए थे बीएड के वो अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति सहायक शिक्षक के रूप में हुई है, यानी कि शिक्षक पहुँचे हुए थे और उन्होंने अपनी बात रखी है सीएम विष्णु देसाई के सामने। उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, उस ज्ञापन में उन्होंने अपनी पीड़ा बताई है, उन्होंने अपना दर्द बताया है कि किस तरह से वो एक साल से नौकरी कर रहे हैं और अगर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए तो उनके सामने कौन कौन सी परेशानियां सामने खड़ी हो सकती है, कौन कौन से संकट आ सकते हैं और इन संकट को दूर करने का काम सरकार का होता है। तो सरकार से न्याय मांगने गए थे, सरकार के पास ये पहुंचे हुए थे अपनी नौकरी बचाने के लिए, डिमांड करने के लिए। कल क्या कुछ हुआ आप आगे वीडियो में देखेंगे कि इस बार फिर से बीएड जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो सहायक शिक्षक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, और डीएड वालों को भी उम्मीद है कि इस बार चयन सूची में उनका नाम आ ही जाएगा, जैसा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनकी नियुक्ति करनी चाहिए, डीएड अभ्यर्थी जो चयनित है जिनका नाम होना चाहिए बीएड वालों की जगह पे, वो कब तक करेंगे, तो 10 दिसंबर वो तारीख तय की गई है। सरकार की ओर से चयन सूची भेजी जाएगी हाई कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट में अवमानना का नोट जो है याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि बीएड अभ्यर्थियों की जगह डीएड अभ्यर्थियों को नौकरी देनी थी। तो इस विषय को लेकर आप आगे सुनिए कि कल बीएड अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं सहायक शिक्षक के रूप में, उन्होंने कल क्या कुछ कहा है सीएम के सामने और सीएम ने उन्हें क्या आश्वासन दिया है,
ऐसा बीएड अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया है जो चयनित शिक्षक हैं उनकी ओर से ये कहा गया है कि सीएम ने आश्वासन दिया है कि 10 दिसंबर को सकारात्मक निर्णय सरकार लेने वाली है, सकारात्मक कदम उठाने वाली है। अब वो कदम क्या उठाने वाली है, क्या 10 दिसंबर को राहत मिलेगी या मायूसी मिलेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप आगे वीडियो देखिएगा कि इस बार फिर से सहायक शिक्षक जो बीएड वाले हैं उन्होंने वीडियो बनाकर भेजा है, वो वीडियो भी आप आगे इस वीडियो में देखेंगे कि कल का घटनाक्रम क्या कुछ हुआ, कल क्या कुछ हुआ, सीएम के सामने उन्होंने क्या क्या बातें रखी और सीएम साहब की ओर से क्या क्या आश्वासन मिला है। छत्तीसगढ़, और आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरे प्रदेश भर से आए लगभग 3000 शिक्षक जिनकी नौकरी पर तलवार लटकी हुई है और वो यहाँ पर आज सर्व आदिवासी समाज के सम्मेलन में यहाँ पर आए थे, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए थे वहाँ गुहार लगाने आए थे। आइए मिलते हैं इनसे। आप देखिए यहाँ पर कि इस पे लिखा है, हमारी क्या गलती है, बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों का क्या दोष है, से बीएड असिस्टेंट टीचर्स, हमारी क्या गलती है। यहाँ पर देख रहे हैं आप राजपत्र, ये राजपत्र में क्या लिखा हुआ है? सर, इसमें बीएड और डीएड दोनों को मान्य दिया गया है। अच्छा, में तो आप लोगों की भर्ती राजपत्र के हिसाब से हुई थी? जी सर। अच्छा, और अभी क्या किस लिए आए हुए हो आप यहाँ पर, आप किससे मिलने आए थे यहाँ पर? हम क्या हो रहा था यहाँ? यहाँ सर्व आदिवासी समाज का कार्यक्रम था। हाँ, तो उसमें हम आए थे सीएम साहब के पास। मुलाकात हुई सीएम साहब से? जी, हमारे कुछ प्रतिनिधि मिले थे सीएम साहब से। अच्छा, अपने बात रखे है कि सर अभी जो परिस्थिति वो बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए गंभीर है, 10 तारीख को हमारा लिस्ट निकल सकता है ऐसा बता रहे थे, तो उसके विषय में उस अवगत कराया। अच्छा, ठीक है। आप यहाँ पर क्यों आए थे? हम बस अपनी नौकरी बचाने की गुहार लगाने के लिए आए थे सर, क्योंकि हमें भी अब 14 महीने का अनुभव हो चुका है बच्चों को पढ़ाने। ये आपके हाथ में क्या लिखा हुआ है? 6 नवंबर 2024 को माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर के न्यायाधीश श्री नरेंद्र व्यास जी ने कहा किसी को नौकरी से निकालना समस्या का समाधान नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? सर, उन्होंने बिल्कुल ही सही कहा है, क्योंकि हम भी इतने वेल क्वालिफाइड है, बीएड डिग्री धारी है और बच्चों को 14 माह से पढ़ा रहे हैं और हमें FLN का ट्रेनिंग मिल चुका है, इंडक्शन ट्रेनिंग हो चुका है, खिलौना प्रशिक्षण हो चुका है, हम बिल्कुल भी इनएलिजिबल नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम योग्य हैं, इसलिए हम यहाँ हैं और मेरिट होल्डर्स हैं, इसलिए हम। सरकार का क्या जवाब रहा? आप सरकार के क्या सभी मंत्रियों से आप मिल चुके हैं, तो उनसे क्या रिप्लाई मिला है? हम सभी मंत्रियों से, नेताओं से एक बार नहीं बार बार मिल चुके हैं। उनका ये कहना रहता है कि हम आपके साथ हैं, आश्वासन तो वो देते हैं पर मौखिक रूप से, हमें लिखित में चाहिए। ठीक, लिखित आश्वासन। आप सर का, आप कहाँ के रहने वाले? सबसे पहले सपाई की जुहार, मैं छत्तीसगढ़ से दूसरा छोर बस्तर लीले से तरायपुर में, हम तो नौकरी के ऊपर खतरा इली से, हम तो नौकरी के काय खतरा इली से, हम के बलसोत की तुम बीएड भी तमन आज तुम्हें प्राइमरी का एलिजिबल नू आज तुम्हें डीएड नहीं करला साथ, तुम बीएड करला साथ, तो तुम प्राइमरी नहीं पढ़ सका सुनी का जी हमी तुम्हें एलिजिबल आस की ना आस आमी एलिजिबल आसू, क्योंकि गजट ने प्रस्तावित रहे कि बीएड और डीएड दोनों एलिजिबल है प्राइमरी शिक्षक का जो हुनिका जो आमी नोटिफिकेशन दखून तैयारी कर लूँ फिर परीक्षा दिलू हुनता मेरिट में उन भारी आमी नौकरी पाऊलू, फिर भले 11 अगस्त जो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय जो बाद आमके पूरी तरह बर्खास्त कर सो हुनिका जी आमी एता इलू से और सरकार के गुहार करूँ से कि आमके नहीं निकराओ और ये तो लिख ली से सरकार के गजट का कोई मूल्य नहीं, का सरकार जो गजट चु कहीं मूल्य नहीं आए, सरकार पहले गजट में रहे। अच्छा, आप बस्तर के हैं, आइए मिलते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप काफ़ी प्रदेश भर से आए शिक्षक, ये काफ़ी चिंतित इनके चेहरे में काफ़ी चिंता दिख रही है। आइए पूछते हैं आप कहाँ आए थे? सर, हम यहाँ सर्व आदिवासी समाज का शपथ ग्रहण समारोह था उनके पदाधिकारियों का, वहाँ पर सीएम सर आए हुए हैं और हम उनसे मिलने आए हुए थे, अपनी बात रखने आए हुए थे कि किस तरह 10 दिसंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है और किसी भी तरह का कम्युनिकेशन गैप अगर रह जाता है शासन और प्रशासन के बीच में और एक प्रॉपर कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की जाती है कोर्ट के समक्ष शासन के द्वारा, तो हमारी नौकरियों पर गंभीर संकट उपस्थित हो सकता है। तो हम सीएम साहब को इस बात से अवगत कराने आए थे कि सर की 10 दिसंबर की डेट हमारे लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और सारे मेडिकल होटल्स हैं शासन के पास, तमाम ऑप्शन हैं, हम पहले भी लिख के दे चुके हैं, अभी भी मुख्यमंत्री जी को हमने पूरा एक दस्तावेज उपलब्ध कराया है कि क्या क्या मध्य मार्ग हो सकते हैं और
हम नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी एक बार। आप अपने मुख्यमंत्री जी से क्या आशा करते हैं? अपने मुख्यमंत्री जी से हम यही आशा करते हैं कि विष्णुदेव सरकार जो संवेदनशील सरकार बोली जाती है, जहां कहीं अन्याय नहीं होता, गरीबों की बात सुनी जाती है, तो वहां तो हम वेल क्वालिफाइड लोग हैं। और वो भी आप आदरणीय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी के पास भी गए थे, उन्होंने क्या कहा आपको? बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी कहा कि शासन के पास रास्ते हैं और वो निकाल सकती है, वो सोच भी रही है ना, और हम इस बात पे गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हाल में ही आप ये लगा रखे हैं, हाई कोर्ट बिलासपुर के न्यायाधीश श्री नरेंद्र व्यास जी ने कहा किसी को नौकरी से निकालना समस्या का समाधान नहीं है। ये आदेश आने के बाद सरकार का क्या रुख रहा आप लोगों के प्रति? सरकार का यही रुख है सर कि उन्होंने रिव्यू भी लगाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट जो है अपनी सुनवाई जारी रखे हुई है। ठीक है, वो लीगल प्रोसेस जो चल रहा है उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब हाई कोर्ट के ही जज माननीय नरेंद्र व्यास जी ये कह रहे हैं कि ये कार्य योजना बना करके इनको बाहर निकालने के पहले इनको समायोजित करिए और उसके बाद फिर आप डीएड वालों को लीजिए, तो शासन को इस स्तर पर आगे बढ़ना चाहिए। आप 3000 निर्दोष सहायक शिक्षकों की एक ही पुकार, हमारी नौकरी सुरक्षित करे विष्णुदेव सरकार, विष्णु के सुशासन में न्याय की उम्मीद, 3000 निर्दोष सहायक, आप क्या कहना चाहती हैं? डेफिनेटली विष्णु की सरकार को सुशासन की सरकार कहा जाता है, तो हमें तो पूरा विश्वास है कि विष्णु के राज में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगा, हमारे लिए न्याय जरूर। आपको सरकार पे पूरा भरोसा है कि आपके लिए सरकार बिल्कुल कोई समायोजन का रास्ता निकालेगी? ओके, हमारी क्या गलती, 3000 शिक्षकों के साथ घोर अन्याय, समायोजन अथवा इच्छा मृत्यु। आप काफ़ी चिंतित दिख रही है मैडम, काफ़ी तनाव में दिख रही है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि समायोजन अच्छा अथवा इच्छा मृत्यु, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी के चेहरे में काफ़ी तनाव बना हुआ है, और इनसे पूछते हैं कि आप इतने तनाव में क्यों हैं? क्योंकि सर मेरे पास मेरे घर में कोई जॉब वाले नहीं है सर, और मैं अकेली जॉब, मेरे हस्बैंड भी जॉब में नहीं है, और यदि हम लोगों को नौकरी से निकाला जाता है तो हम लोग क्या करेंगे सर? इसलिए मैं सरकार से यही विनती करती हूँ सर कि हमारी नौकरी सुरक्षित किया जाए और हम लोगों को कहीं भी समायोजन हम लोगों का। 3000 प्रदेश भर से आए बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक, इनकी नौकरी पर जो है तलवार लटकी हुई है, जिसके लिए इनके चेहरे में आप देख रहे हैं कि काफ़ी मतलब चिंतित शक्ल है, और बिल्कुल ये अपना यहाँ पर लिखे हैं, हमारी क्या गलती, 3000 शिक्षकों के साथ घोर अन्याय क्यों, समायोजन या इच्छा मृत्यु, छत्तीसगढ़ के राजपत्र के आधार पर मेहनत करके नौकरी पाई हम 3000 बेगुनाह शिक्षक सहायक शिक्षकों की सेवाएं सुरक्षित करे छत्तीसगढ़ के आधार विष्णुदेव सरकार, हमारी क्या गलती, क्या सरकार के गजट का कोई मूल्य नहीं, और यहां पर छत्तीसगढ़ के राजपत्र के आधार पर हुई है नियुक्ति। मैडम इसको सीधा कीजिए, दिख नहीं रहा है ये क्या लिखा हुआ है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, इसमें लिखा है 6 नवंबर को माननीय न्यायालय छत्तीसगढ़ के न्यायाधीश श्री नरेंद्र कुमार व्यास ने कहा किसी को नौकरी से निकालना समस्या का हल नहीं, सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग कर 3000 बीएड सहायक शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित करे। दिनांक 7 नवंबर 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड जी ने कहा कि सरकारी नौकरी में विज्ञापन जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। मैडम आप एक क्या कहना चाहती हैं कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता? जैसे कि छत्तीसगढ़ और भारत के राजपत्र में यही लिखा गया है कि बीएड डीएड दोनों ही मान्य है, और अचानक एक सुप्रीम कोर्ट का वो आता है, फैसला आता है कि बीएड को यहां से नहीं। आपकी भर्ती प्रक्रिया में नियम का बदलाव किया गया था सर? उसमें तो क्या बोलते हैं, पहले तो नहीं हुआ था, अचानक उस नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ था कि मेंशन हुआ था कि वहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगा फिर के। सर मैं एक कष्टी आदिवासी हूँ जो कि एक पिछड़ क्षेत्र से हूँ, यहाँ पे लगभग 71% आदिवासी हैं, और रहा सवाल, मैं 71% आदिवासी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे लगभग 3000 बेड़धारी सहायक शिक्षकों की बात है जो अपना मेहनत 3 साल 4 साल 5 साल लगा दिए और इस जॉब में आने। आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर मैं मानपुर से हूँ। हाँ हाँ, और इस जॉब में आने के लिए बहुत मेहनत किए हैं, मैं भी वैसे ही, मेरे साथ मैं स्ट्रगल की, मेरे साथ मेरी मम्मी भी की, मेरे साथ मम्मी तो करते करते क्या बोलते हैं। कोई बात नहीं मैडम, बिल्कुल आप चिंतित मत रहिए, इतना डिप्रेशन में मत जाइए और फील बिल्कुल मत करिए। और ये लिखा है छत्तीसगढ़ के राजपत्र के आधार पर मेहनत करके नौकरी पाई है हम 3000 बेगुनाह सहायक शिक्षकों की सेवाएं सुरक्षित करें छत्तीसगढ़ के आधार विष्णुदेव सरकार, यहां पर देख रहे हैं सभी कुछ ना कुछ लिख रखे हैं, 3000 निर्दोष सहायक शिक्षक, हमारी क्या गलती, गजट का कोई मूल्य है क्या ना? आप क्या कहना चाहते हैं कि गजट का कोई मूल्य नहीं है?
गजट का मूल्य इसीलिए नहीं है करके हम लोग डाले हैं सर, क्योंकि हमने राजपत्र देख करके। क्या राजपत्र में लिखा हुआ था कि बीएड डीएड और डीएलएड? बिल्कुल बिल्कुल सर, उसमें 100% लिखा हुआ था, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने पेपर पूरा राजपत्र देख करके भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए और नौकरी पाई। ये आपका राजपत्र आप दिखा सकते हैं, कहाँ पर है आपका राजपत्र? यस सर, यस सर, राजपत्र ये सर हमारे पास। अच्छा, ये राजपत्र में कहाँ पर लिखा हुआ है? स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सर। अच्छा, अच्छा, इसमें डीएड और बीएड सब मतलब सब एलिजिबल। अच्छा, बीएड को एलिजिबल किया गया था। यहाँ पर देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के गजट को दिखा रहे हैं यहाँ पर, जो 3000 लगभग प्रदेश भर के बीएड सहायक प्रशिक्षित शिक्षक, और कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के राजपत्र के अनुसार इनकी भर्तियाँ हुई हैं, और आज ये बिल्कुल अपनी नौकरी का गुहार लगाने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ शासन जो कि सर्व आदिवासी समाज सम्मेलन में आए थे, उनके पास आए, और साथ में ही सर्व आदिवासी समाज के जो अध्यक्ष हैं शिशुपाल सोरी जी के पास भी ये गए थे। ये पूछते हैं कि यहाँ पर आप क्या आपको जवाब मिला? सर, हम सरकार से मिलने आए थे, सर विष्णुदेव साय जी यहाँ आए हुए थे, तो हम उनसे आग्रह करने आए थे कि हमारी नौकरी सुरक्षित किया जाए, क्योंकि अभी हाई कोर्ट का निर्णय आया है जिसमें बोला है कि डीएड का लिस्ट जारी करो, अगर डीएड का भी लिस्ट जारी होता है तो उसमें ऐसा है कि बीएड वालों को बाहर कर देंगे, जबकि हम लोग पूरे एक वर्ष से अधिक हम लोग अभी ड्यूटी कर चुके हैं सर, और हम चाहते हैं सर आपकी सेवाएं एक साल से अधिक हो गई है सर, हम लोग एक साल से भी ज़्यादा हम लोग हो चुका है, हम लोग आदिवासी बस्तर। आपके गाँव घर में क्या बोलते हैं कि शासकीय सेवा से आपको निकाला जा रहा है, तो क्या बोलते हैं आपको? सर, घर वाले सभी लोग काफ़ी चिंतित हैं अभी जब से सुने हैं कि हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा करके। क्या घर वाले पहली बार सुन रहे हैं कि शासकीय सेवा से निकाला जा रहा है बोल? नहीं सर, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी व्यक्ति को कि सरकारी जॉब में लग गया उसके बाद उसको उसके जॉब से निकाला गया हो, तो सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारी सेवा सुरक्षा किया जाए। ओके सर, एक मैडम नाग बात की एक बात सर, इसको एक कविता के माध्यम से मैं सुनाना चाहूँगा। शब्दों को अधरों पर रख के, शब्दों को अधरों पर रख के मन का भेद न खोलो, शब्दों को अधरों पर रख के मन का भेद न खोलो, मैं आँखों से सुन सकता हूँ तुम आँखों से बोलो। इन सभी 3000 सहायक शिक्षकों के आँखों में जो चीज़ें दिख रही है सर, हम लोग हर चीज़ें बयां नहीं कर सकते, ना यूट्यूबर हैं हम लोग, ना टिकटॉकर हैं हम, अपनी बातें अपनी स्थानीय भाषा में थोड़ी मोड़ी। क्या बात है, इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि बोलते हैं कि भावनाएं जो है कविता से ही आती है, और कितनी गहरी बात की है यहाँ पर देख रहे हैं। मैडम, आप कहाँ से आए हैं और इतने ठंड में इस बच्चे को लेकर आप क्यों यहाँ पर आए हैं? जी, हम लोग मोहला ब्लॉक से हैं। और ये क्या ले रखा है आपने हाथ में? अच्छा, ये है सर हमारी क्या गलती है, हमने बीएड किए, नोटिफिकेशन के मुताबिक एग्ज़ाम दिलाए, मेरिट में आए, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमें नियुक्ति मिली है। अब किसी को बेरोजगार करना या न्याय? आपके घर में जीवन यापन का सोर्स क्या है? खेती है सर, और फिलहाल मेरा छोटा सा बच्चा है और मेरे वृद्ध सास ससुर है, जिस सब की जिम्मेदारी मुझ पर है। अब हमें बेरोजगार कर देना है, किसी प्रकार की न्याय संगत नहीं है। अब इस आप मुख्यमंत्री जी को, आला मंत्री जी को, आप सभी मंत्रियों को अवगत करा चुके, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं यही गुहार लगा रही हूँ, मेरा हर मंत्री से, छत्तीसगढ़ शासन से सर्वत्र निवेदन है कि हमें इस तरह बेरोजगार ना करें, उनके पास शक्ति है, वो चाहे तो हमें समायोजित कर सकते हैं। आपको समायोजित करना है, लेकिन ये अगर कोई, क्या न्यायालय ने कहा है कि आप लोगों को समायोजित करें? वहाँ से तो ऐसा कुछ नहीं आया है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ शासन के पास ये हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति इनके व्यास ये लिखा हुआ है क्या? नरेंद्र व्यास जी ने कहा था कि किसी की नौकरी छीनना कभी भी तर्क संगत नहीं होगा, न्याय संगत नहीं होगा, उन्हें किसी न किसी प्रकार से समायोजित करके हमारे, क्योंकि हमारे राज्य को शिक्षकों की ये जो आदेश, ये आदेश कब आया? 6 नवंबर 2024 को आदेश आया। माननीय न्यायालय छत्तीसगढ़ के न्यायाधीश श्री नरेंद्र कुमार व्यास जी ने कहा कि किसी को नौकरी से निकालना समस्या का हल नहीं, सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग कर 3000 बीएड सहायक शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित करे, और 7 नवंबर को जो है नियमों में बदलाव नहीं होना चाहिए। तो ये आदेश आने के बाद सरकार का क्या रुख रहा आपकी तरफ? सरकार अभी मतलब हम लोग हर जगह मिले सर, तो उसमें अपन आप लोगों के साथ खड़े हैं, इस टाइप से आश्वासन मिला है। आज भी हम लोग सीएम सर से मिलने आए थे, वो बोले कि हम आपके साथ खड़े हैं,
लेकिन खड़े होना ही सर हमको लिखित में आश्वासन चाहिए। इसके लिए वो कमेटी गठित कर सकते हैं, उसमें एजी रख सकते हैं, वित्त विभाग को रख सकते हैं। और आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति अभी तो स्पष्ट नहीं है सर, लेकिन हम लोग जितना हो सके अलग अलग जगहों में जा जाके मिलेंगे सर। और केवल शिक्षा मंत्री हैं हमारे साथ, और वो अगर हमारे साथ हैं तो हमारी नौकरी सुरक्षित रहेगी। अच्छा, छत्तीसगढ़ के 3000 बीएड प्रशिक्षित निर्दोष सहायक शिक्षकों की एक ही पुकार, हमारी मेहनत से पाई नौकरी सुरक्षित करे विष्णुदेव सरकार। आप सर कहाँ से? जी सर, मैं बस्तर संभाग से हूँ, बस्तर संभाग के बस्तर जिला से हूँ। और यहाँ दूसरा दिन है कि हम यहाँ आए हुए हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए। और यहाँ जितने भी सहायक शिक्षक हैं सब अपने अपने जगह से यहाँ इसलिए रुके हैं कि जब तक हमारी नौकरी, आप यहाँ पर रुके हैं बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही होगी? जी सर, जब तक हम अपनी नौकरी नहीं बचाएंगे तो बच्चों की शिक्षा आगे भी प्रभावित ही होगी। हमारे बीएड साथियों को 10 तारीख तक अल्टीमेटम मिला है और कहा गया है कि 10 तारीख के बाद आप बस्तर के ही रहने वाले हैं? जी सर, मैं बस्तर और बस्तर में ही बीएड सहायक शिक्षक हैं। अच्छा, ये बताइए कि बस्तर के ही रहने वाले बस्तर में ये जो 2000-3000 के लगभग सहायक शिक्षक आने के बाद बस्तर में क्या परिवर्तन आया है? बस्तर में बहुत अच्छा बदलाव आया है। जितने भी सहायक शिक्षक हैं, कहा जाता है कि पहली और दूसरी में उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। जितने भी सहायक शिक्षक हैं उनको FLN में भी यह ट्रेनिंग दी जाती है कि उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए, इसलिए सभी सहायक शिक्षक अब उनकी मातृभाषा सीखकर बड़ी कठिनाई से उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे आगे भी अच्छा से पढ़ सके। आपके गांव में, आप बस्तर के हो, आदिवासी समुदाय से हो, आपके गांव को भी पता है कि आप एक सहायक शिक्षक बने, आप बीएड में सहायक शिक्षक बने, यदि आप किसी प्रकार का आपको नौकरी से निकाला जाता है तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी जब मैं गाँव जाता हूँ तो बोलते हैं गुरुजी आ गया। और मेरे जब मैं PMT हॉस्टल में रहता था, पढ़ाई करता था, और जब भी वहां जाता हूं तो सर आगे बोलते हैं, टीचर गुरुजी आगे बोलते हैं। अब जब मैं यहां से निकाला जाऊंगा तो उनको भी बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि इनको ये एलिजिबल थे, ये योग्यताधारी थे तो इनको क्यों निकाला गया। आपका जो क्षेत्र है, क्या नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हो आप? जी नहीं, मैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र से नहीं आता, लेकिन एक पिछड़े क्षेत्र से आता हूँ, और बहुत ही पिछड़े क्षेत्र से आता हूँ जहाँ के बच्चे अभी भी पढ़ाई के लिए संघर्षरत हैं। और मतलब आप अपने गांव के लिए रोल मॉडल हो एज ए शिक्षक? जी सर। और यदि आपको सेवा से निकाला जाएगा तो एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा? जी, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, और घर में भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, वो एक आदिवासी नेता हैं, और आपके शिक्षा मंत्री भी वही हैं, और आपके मुख्यमंत्री भी वही हैं, और आप अपने पूरे संदर्भित जितने मंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री और जो आपके देश के शिक्षा मंत्री, ये सबको आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र के आदिवासी बीएड सहायक शिक्षक होने के नाते? मैं एक आदिवासी होने के नाते एक आदिवासी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी से ये कहना चाहता हूँ कि हम आदिवासियों की नौकरी खतरे में है। आप किसी भी तरह, हम सभी आदिवासी, जितने भी 70% आदिवासी इस सहायक शिक्षक में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सेवा समाप्त ना की जाए, किसी भी तरह उनकी सेवा सुरक्षा दी जाए, तभी तो हम आदिवासी हैं और आदिवासी ही रहें। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी मतलब टेंशन में हैं शुरू से ही, और यहाँ पर सारे शिक्षकों के जो ये माथे पर जो आप इतना टेंशन देख रहे हो, और इसी कारण से कि कहीं ना कहीं ये इतने दूर दराज क्षेत्र से आए हैं अपनी नौकरी को बचाने, और हर कोई कुछ ना कुछ ले रखा है, निर्दोष, हमारी क्या गलती है, हैं। और हाई कोर्ट बिलासपुर ने भी इनको बीच में एक आशा की किरण जागी थी, उन्होंने कहा था कि इन्हें समायोजित कर इनका 3000 शिक्षकों का जो नौकरी है उसको बचाया जा सकता है। और उसके बाद अभी भी ये मुख्यमंत्री से आस लगाए हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री एक आदिवासी नेता है, मुख्यमंत्री ही इनके शिक्षा मंत्री है, और इनको पूरा भरोसा है कि इनका समायोजन का आदेश जल्द से जल्द दिया जाएगा। धन्यवाद।